1992 में। दोस्तों आपने दिल्ली में वैसे तो कई जगह घूमी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां पर लोग अधिकतर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर एंजॉय करते हैं। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा गेट है जो दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जिसे ईस्ट में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1931 में इसे देश के नाम कर दिया गया। इस स्मारक को अंग्रेज शासकों द्वारा 8200 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे। ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों सहित हजारों सैनिकों के नाम इस गेट पर लिखे हुए हैं। इंडिया गेट का जब निर्माण हुआ था तब वहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन आजादी के बाद इस मूर्ति की जगह एक छतरी लगा दी गई थी। इंडिया गेट के मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित है। इसका निर्माण 1971 में भारत पाक युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया था। अमर जवान ज्योति के चारों कोनों पर ज्योति जलती रहती है। अमर जवान ज्योति के बीच वाले हिस्से में एक राइफल लगी हुई है जिसके ऊपर हेलमेट लगा हुआ है। ये उन सैनिकों का प्रतीक है जिन्होंने अपने युद्ध में जान गंवा दी। अमर जवान ज्योति को जल थल और वायु सेना के जवान मैनेज करते हैं। यहाँ पर 24 घंटे जवान तैनात रहते हैं और यहाँ तीनों भारतीय सेना के विंग के झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पर अमर जवान ज्योति के पास 24 घंटे एक जवान तैनात रहता है। दोस्तों वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए कई स्पॉट हैं जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इंडिया गेट एक ऐसा स्पॉट है जहाँ लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने आते हैं। यहाँ पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। यदि हम आपको इंडिया गेट का नज़ारा ऊपर से दिखाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और रात को इंडिया गेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंडिया गेट पर लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। यहाँ पर खाने पीने की कई दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर खरीदने के लिए भी काफी चीजें मिल जाएंगी। इंडिया गेट पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कई सारी चीजें मिल सकती हैं। इंडिया गेट में झील और फव्वारे भी लगे हुए हैं जो लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ पर आप बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। इंडिया गेट के चारों ओर काफी बड़ा फील्ड है जिस पर लोग गेम्स खेलते हैं, तो इसलिए इंडिया गेट को आप फुल एंजॉयमेंट स्पॉट कह सकते हैं।